ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज होगा वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। रेलवे ने पूरी की है ट्रायल की तैयारियां और देहरादून से दिल्ली के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 25 मई को दिखाई जाएगी हरी झंडी और इसी को लेकर आज ट्रायल होने वाली है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आज होगा वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। रेलवे ने ट्रायल की तैयारियां पूरी कर ली है। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी और 25 मई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उससे पहले आज वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल होना है। देहरादून से बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर रेलवे ने ट्रायल की तैयारियां पूरी कर ली है। आज ट्रायल होने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस की। दिल्ली से देहरादून के बीच ये ट्रेन दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस और 25 मई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उससे पहले यानी कि आज ट्रेन की ट्रायल होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आज होगा वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। रेलवे ने पूरी की है ट्रायल की तैयारियां। देहरादून से दिल्ली के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 25 मई को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उससे पहले आज ट्रेन का ट्रायल होगा। ये बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है देहरादून से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल होगा। 25 मई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उससे पहले यानी कि 23 मई को आज ट्रेन का ट्रायल होने वाला है। ट्रायल को लेकर रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, रेलवे ने ट्रायल की तैयारियां पूरी कर ली है, देहरादून से दिल्ली के बीच ये ट्रेन दौड़ेगी और इसको लेकर आज ट्रायल होना है, क्या कुछ विशेष जानकारी? देखिए, करीब 2 बजे जो है देहरादून से दिल्ली के लिए जो है वंदे भारत ट्रेन का जो है ये ट्रायल होना है और जिस प्रकार से दिल्ली से जो ट्रेन है वो यहाँ देहरादून पहुंच चुकी है और लगभग 2 बजे जो है यहाँ से दिल्ली के लिए वो रवाना होगी और जिस प्रकार से 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल के द्वारा जो है वंदे भारत ट्रेन का जो है वो शुभारंभ यहाँ से होना है और 1 जून से जो है देहरादून से दिल्ली के लिए जो है वंदे भारत ट्रेन जो है यहाँ से चलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए जो है वो सहूलियत होगी, साथ ही जिस प्रकार से जो है कई घंटे जो है जिस प्रकार से जो है बसों पर या वोल्वो की बसों पर जो है रोडवेज की बसों पर उनको समय लगता था, वंदे भारत ट्रेन के चलने से जो है काफी जो है लोगों को यहाँ पर फायदा होगा। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जो है पहले कई घंटों तक जो है जिस प्रकार से जो है बसों के इंतजार में यहाँ पर लोगों को रहना पड़ता था, उसका इंतजार जो है वो खत्म होगा और जिस प्रकार से जो है लगभग पूरे देश भर में कई राज्यों में जो है केंद्र सरकार की ओर से वंदे भारत ट्रेन जो है उसका शुभारंभ किया गया है, ऐसे में यहाँ पर भी देहरादून के लोगों के लिए वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है। 2 दिन तक जो है ये ट्रायल जो है ये चलेगा और 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वर्चुअल के माध्यम से जो है ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा और 1 जून को जो है विधिवत तौर पर जो है देहरादून से दिल्ली के लिए जो है वंदे भारत ट्रेन जो है वो रवाना होगी। 25 मई को वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन उपेंद्र हम ये भी जानना चाहेंगे कि देहरादून से दिल्ली के बीच जो वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी ये कितना समय लेगी? देखिए, जो वंदे भारत ट्रेन का जो लगभग जो समय अभी बताया गया है लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच जो है ये वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली पहुंचाने का काम जो है वो करेगी और जिस प्रकार से जो है अन्य अगर माध्यमों से अगर बात की जाए बसों से और जिस प्रकार से जो रोडवेज की बसें हैं या जो भी बसें जो है देहरादून से दिल्ली के लिए जो जाती है लगभग 5 घंटे करीब जो है यहाँ से जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को जो है वो सहूलियत जो है वो मिलने वाली है। साथ ही ये देखा जा सकता है कि काफी फायदा जो है यहाँ के लोगों को मिला। अब ये देखना होगा कि कितनी टाइम पीरियड जो है उसका रहने वाला है, कितने समय पर जो है वो चलती है, ये जरूर जो है ये देखने वाला होगा। ठीक है उपेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।